दोस्तों, बंगाल पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया सामने। बंगाल पंचायत चुनाव में ओवैसी को मिला सबसे बड़ी कामयाबी। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवार हासिल किया शानदार जीत। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के ये 6 उम्मीदवार टीएमसी के उम्मीदवारों को कितने वोटों से हराया है और मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के कितने उम्मीदवार दूसरे नंबर हासिल किया है, पूरी खबर इस वीडियो में आगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन दिखाया अपना जलवा। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवारों को मिला शानदार जीत। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के ये 6 उम्मीदवार टीएमसी के उम्मीदवारों को तकरीबन 1000 वोटों से हराकर मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का झंडा पश्चिम बंगाल में गाड़ने का काम किया है। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के 15 से 20 उम्मीदवार जीत कर भी हार गए। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के कुछ उम्मीदवार 50 से 100 वोटों से हारे हैं और कुछ उम्मीदवारों को 500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अगर आप मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर इस चैनल पर अपलोड करता हूं। बड़ी आसानी के साथ मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के हर खबर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।